इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जब से अनुष्का शर्मा से शादी हुई है उस वक्त से वो हमेशा सुर्खियों में ही बने रहते हैं। कुछ अरसे पहले ये खबर आई थी कि फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ शादी करने के बाद दिल्ली बॉय के नाम से मशहूर विराट अब मुंबई में फ्लैट खरीदने वाले हैं। इस आलिशान फ्लैट की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए बताई गई थी। विराट ने शादी से पहले ही यानी साल 2016 में मुंबई के वर्ली इलाके में ये सुपर लग्जरी फ्लैट बुक कराया था, लेकिन अब खबर ये है कि विराट ने इस फ्लैट की डील कैंसिल कर दी है। खबर के मुताबिक विराट ने 20 मार्च को ही 7000 स्क्वायर फुट के कारपेट एरिया वाले इस फ्लैट की कैंसिलेशन डीड तैयार करा के अगले दिन ही उसे जमा करा दिया है। ये तो अच्छा नहीं किया विराट आपने, पहले फ्यूचर प्लानिंग के तहत घर बुक करा लिया और फिर उसे कैंसिल कर दिया। जरा अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के बारे में तो सोचते कि उनकी हालत कैसी होगी ये खबर सुनकर। जाहिर है उन्हें दुख तो हुआ होगा, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। विराट अब वर्सोवा और बांद्रा के बीच के इलाके में एक पेंट हाउस खरीदने की योजना बना रहे हैं। हाँ, ये राहत के तौर पर आप अनुष्का को बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप ये पेंट हाउस खरीद नहीं लेते तब तक तो मैडम का चेहरा उतरा उतरा ही नजर आएगा। थोड़ी समझदारी से काम लीजिएगा विराट। शादी के बाद से विराट अभी अनुष्का के साथ किराए के घर में रह रहे हैं। वर्ली इलाके में डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर इस फ्लैट का किराया 15 लाख रुपए प्रति महीने है। विराट ने पिछले साल अक्टूबर में ही इसे किराए पर लिया है और इसकी लीज 24 महीने के लिए है। अब बताइए, किसी के घर की कीमत होगी 15 लाख रुपए और ये दोनों 15 लाख महीने के हिसाब से किराया दे रहे हैं। सुनकर थोड़ा शॉक लगा जरूर, लेकिन हम समझ सकते हैं विराट कि पत्नी को खुश रखना भी बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ मुश्किल में पड़ सकता है।